मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो धन सिंह कोतवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। साथ ही शहीद स्मारक में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो आज मेरठ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरठ का ये पहला दौरा है और साथ ही अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी होगी। कोशिश होगी कि आखिरकार अधिकारियों से फीडबैक लिया जाए उन तमाम योजनाओं के बारे में कि कहां तक सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई थी धरातल पर उतर पाई हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। शहीद स्मारक के कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री को शामिल होना है। मेरठ का आज दौरा मुख्यमंत्री का, सीएम योगी आज मेरठ के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई और साथ ही तमाम सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे। इसके साथ शहीद स्मारक से जुड़ा एक कार्यक्रम जिसमें आज मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वो अब हर जिले का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में मेरठ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, ग्राउंड की रियलिटी जानने की कोशिश मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान रहेगी। समझने की कोशिश होगी कि तमाम जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं आखिरकार वो कहां तक पहुंची हैं, उनका स्टेटस क्या है। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग होगी मुख्यमंत्री की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से फीडबैक लेने की कोशिश आज समीक्षा बैठक में। मेरठ का दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां पर शहीद स्मारक के कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए, उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कई दिनों से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारी तैयारी में जुटे हुए थे। आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री की, लिहाजा सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि कौन सी वो योजनाएं जिन पर आज मुख्यमंत्री निर्देश दे सकते हैं। हमारे संवाददाता अभय शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे अभय का रुख करते हैं। अभय, कितने बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, आज शाम करीब 4 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में वो उतरेंगे। उसके बाद 1857 की जो क्रांति है, क्योंकि आज से मेरठ से बगुल बजा था आजादी के लिए, तो जो शहीद हुए थे उनको नमन करने मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। करीब 4 बजे यहाँ पहुंचेंगे और सीधे संग्रहालय जाएंगे, जहाँ जो शहीद हुए हैं उनकी जो प्रतिमाएं लगी हुई है और जो आजादी की यादें वहां पे सजो के रखी गई है उनको देखेंगे। और उसके बाद जो विक्टोरिया पार्क है वहां पहुंचेंगे, वहां भी शहीदों को नमन कर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद धन सिंह कोतवाल, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी आजादी के लिए, उनको माल्यार्पण करके और फिर जो अधिकारी हैं और विधायक हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और करीब 7:30-8 बजे के करीब लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी अभी पहले ही मुख्यमंत्री कह चुके हैं मैं जिलेवार पूरे प्रदेश में दौरा करने जा रहा हूँ, और ऐसे में मेरठ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन सी योजना है जिनको लेकर आज फीडबैक अधिकारी देंगे? बिल्कुल, जिस तरह से आज 10 मई है और ऐसे में 1857 की जो क्रांति हुई थी, कहीं ना कहीं उसको भी देख, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री आए थे तो उनके बाद अब दूसरी बार जो योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो पहला मेरठ में दौरा है, तो कहीं ना कहीं कल से ही तमाम अधिकारी इनकी स्वागत में लग गए हैं, किसी तरह की कमी ना हो। कल से ही जिलाधिकारी दीपक मीणा हो या पुलिस अधीक्षक हों, सभी इनकी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में करीब जो परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सबसे पहले वो प्रोग्राम जो मुख्यमंत्री का है वो यही है कि आज जो 10 मई है ये काफी मेरठ के लिए मायने रखती है। बिल्कुल, ना सिर्फ मेरठ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए का बिल्कुल मेरठ से आज ही के दिन फूका गया था और इतिहास में ये जो दिनांक है या जो तारीख है वो दर्ज है। और जाहिर तौर पर नमन करने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री की मेरठ की धरती पर क्रांतिकारियों को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भय अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री आज मेरठ दौरे पर आ रहे हैं, ऐसे में तमाम अधिकारियों को वो पहले ही कह चुके हैं कि किसी तरह की कोई हिला हलबाली बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में अधिकारियों के बीच जबरदस्त हलचल मच